नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ वो एक्चुअली लोग उसको पसंद करते हैं मिल्क शेक के साथ में या डायरेक्ट खाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पपीता पपैया। आज हम लोग उस चीज़ का फूड रिव्यू करने वाला हूँ। आज जो मैं लेने वाला हूँ वो रहेगा, देखिए मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, मैंने ऐसे मेज़र कर लिया था। ढाई सौ ग्राम मैंने लिया है पपीता। देखिए पपीते में भी क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसका वो रहता है 60 के आसपास, यानी मीडियम रहता है। लो भी नहीं है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, मीडियम रहता है। और जब भी हम लोग मार्केट से जब पपीता खरीदते हैं तो वहाँ पपीता वाला क्या बोलता है कि सर आपको आज खाना है, कल खाना है कि परसों खाना है। तो बेटर है आप उनको बोलोगे कि परसों खाना है तो क्या थोड़ा कच्चा देगा, कच्चा देगा तो उसमें क्या है कि थोड़ा मीठापन कम रहेगा, ठीक है। तो हमें जो सूखे थोड़ी बढ़नी थी वो थोड़ी कम बढ़ेगी, तो ज़्यादा पका हुआ भी ना खाएं पपीता, ठीक है। तो आज मैं 250 ग्राम का पपीता खा के मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत इसके फ़ायदे बता दूँ मैं पपीते के। ये पेट की जो बीमारियाँ होती है, ठीक है, अगर इसका रेगुलर अगर हम लोग इसको खाते हैं पपीते को, ठीक है, जो हमारे पेट की बीमारियाँ होती है उसे दूर करती है। जो अपनी आँखों की रोशनी होती है उसको काफ़ी तेज़ करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, क्योंकि विटामिन ए जो रहता है वो हमारी आँखों के लिए अच्छा रहता है। तो डेली खाने से हमारी आंखों की रोशनी भी काफ़ी तेज करता है। पपीते के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे उसमें फाइबर अच्छा है, पोटेंशियम अच्छा है, विटामिन अच्छे हैं इसमें, विटामिन ए है, विटामिन सी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो उसको रेगुलर खाना ही चाहिए। पपीता हमारे वजन को कम करता है और काफ़ी तेज़ कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसमें जो विटामिन्स हैं और पोटेंशियम है उसके वजह से क्या है कि हमारा जो चर्बी होती है वो काफ़ी कम कर देता है। तो मैं ये नहीं कहता कि 2 दिन छोड़ कर, नहीं, डेली खा सकते हो उसमें पपीता को, आप डेली खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गठिया भाव बोलते हैं, हमारे पाँव में जो गठिया भाव होते हैं उसकी समस्या को दूर करता है। अगर आप पपीते को खाते हो, अगर डेली बेसिस पे खाते हो, तो फ्यूचर में आपको गठिया भाव की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आप इसको डेली खाइए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो है हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। तो पपीता रेगुलर खाइए, डेली खाइए, 150 ग्राम 200 ग्राम ज़रूर खाइए, कोई अपनी बॉडी को नुकसान नहीं करता है पपीता। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें इसके खाने से मोटापा कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि 100 ग्राम पपीते में सिर्फ 32 कैलोरीज होती है, अगर आप 200 ग्राम खाओगे तो 64 कैलोरीज ही आएगी अपनी बॉडी में, ठीक है। तो जिससे हमारा मोटापा नहीं होगा बल्कि मोटापा कम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम अपनी खाने से पहले अपनी शुगर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा रहेगा रैंडम ब्लड शुगर, देखिए टाइम मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए टाइम 5:50 हुआ है, 5:50, ठीक है। पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लूं। मैंने 3:30 बजे शाम को चाय पी थी मैंने, जो थोड़ी मीठी होती है, ठीक है। तो अभी मैं जो मेरी शुगर आएगी वो रैंडम ब्लड शुगर आएगी, ये देख लीजिए, ये हमारी रैंडम ब्लड शुगर 168 है, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर जो अभी 5:45 के आसपास हुआ है, शाम का 5:45, ठीक है ना। तो ये 250 ग्राम मैंने पपीता लिया है, एकदम वो भी पका हुआ लिया है, देख लीजिए एकदम पका हुआ लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कच्चा है, जितना पकना चाहिए उतना पका हुआ खा रहा हूँ, खाने वाला हूँ आज मैं। तो ये 250 ग्राम खा के देखते हैं कि हमारी शुगर कितनी आती है, चलिए चालू करते हैं।
तो अभी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है पपया, ठीक है। टाइम अभी जो हुआ है वो 5:55 हुआ है, तो हम आपको मिलेंगे 6:55 को और 7:55 को कि हमारी शुगर क्या रहती है। तो दोस्तों अभी हमें 1 घंटा हो चुका है 250 ग्राम पपीता खाए हुए। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, हमने जो ख़त्म किया था वो किया था 6 बजे के आसपास, और अभी जो टाइम हो गया है वो भी 7 बज गया है, ठीक है। चलिए अब हम हमारी शुगर चेक कर लेते हैं। पपीता खाने से पहले जो था हमारा शुगर वो था 168, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, एक्चुअली कोई भी मीठा फल खाने से पहले खाते हैं तो हमारे पहले 1 घंटे में हमारी काफ़ी जो शुगर होती है वो पिक करती है, ठीक है। ये भी मीठा ही था पपीता, नो डाउट। चलिए चेक कर लेते हैं हमारी शुगर क्या आती है। निकला नहीं, अभी ट्राई करना पड़ेगा। आ गया, ये आ गए हमारे 1 घंटे बाद की शुगर, दिख रहा होगा आपको। पहले था 168, अब आई है 199, तो भी ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है 1 घंटे में, ठीक है। अब हम आपको मिलते हैं 1 घंटे बाद, यानी पपीता खाए 2 घंटे बाद की, कि हमारे शुगर क्या आती है। तो दोस्तों अभी हमें 2 घंटा हो चुका है पपीता खाए हुए, देख सकते हैं 8 बज गई है। चलिए अब हम अपनी शुगर चेक कर लेते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, पपीता 250 ग्राम पपीता खाने से पहले जो हमारी शुगर थी वो थी 168, उसके 1 घंटे बाद जो आई हमारी शुगर वो आई थी 199, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी शुगर क्या आती है 2 घंटे बाद। और दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट्स भी करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, किस पे फूड रिव्यू करना है, मेरे को आप मुझे बता दीजिएगा। ये देख लीजिए हमारे 2 घंटे बाद की शुगर 179, ठीक है 179। ये 10 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम खाने के बाद हमारी जो शुगर थी वो 11 पॉइंट हमारी बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों ये चीज़ खाइए, पपीता रियल में हमारे पेट के लिए, हमारे शुगर के लिए, हमारे वेट लूज के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और ये फ्रूट ऐसा है जिसको मैं बोलूँगा आप डेली खाइए, और फ्रूट के बारे में मैं नहीं कहूँगा आप डेली खाइए, लेकिन इस फ्रूट को आप जरूर डेली खाइए, आपके लिए बहुत ही सेहतमंद रहेगा ये फ्रूट, आज के लिए भी और आने वाले भविष्य में भी ये फ्रूट का जो बेनिफिट है आपको मिलता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।